दोस्तों आने वाले आईफोन का जो प्रो मॉडल्स है ना उनका प्राइस बहुत ज्यादा घटने वाला है। सो वीडियो जो है ना बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईफोन के प्रो मॉडल्स के प्राइस बहुत ज्यादा हाई क्यों होते हैं। आईफोन के प्रो मॉडल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होने के पीछे का रीजन है कि ये जो आईफोन है इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, और आईफोन के जो नॉन प्रो मॉडल है अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको कम देखने को मिलता है। मतलब कि लॉन्चिंग के बाद जो है ना प्राइस आपको कम ही देखने को मिल जाएगा इंडिया में आईफोन का। सो एप्पल अभी यही चीज करने वाला है प्रो और प्रो मैक्स के साथ। Yes, अब एप्पल जो है इंडिया में प्रो एंड प्रो मैक्स का भी मैन्युफैक्चर स्टार्ट करने वाला है, जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सो अगर आप एक एप्पल फैन बॉय हैं तो आपके लिए सच में ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब आप पूछोगे कि ये मुझे कहां से पता चला, तो रिसेंटली मैंने एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से आर्टिकल पढ़ा था, जिससे मुझे समझ में आया कि एप्पल अपने प्रो मॉडल्स का मैन्युफैक्चर इंडिया में भी शुरू करने वाला है। और ये मुझे बहुत पहले से लग रहा था कि एप्पल जो है ना इंडिया में अपने प्रो मॉडल्स वाले आईफोन भी मैन्युफैक्चर करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि एप्पल ने अपने दो नए नए स्टोर एक मुंबई और एक दिल्ली में खोल दिया है। दैट मींस एप्पल इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर फुटप्रिंट इन इंडिया, क्योंकि एप्पल को इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं और इंडिया में आईफोन की मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसी की वजह से एप्पल जो है चाइना के साथ कम रिलाई करना चाहता है और सारी की सारी चीजें चाइना से इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है। बट मैं ज्यादा कंफर्म तब हो गया जब मैंने यह आर्टिकल पढ़ा था। और इस आर्टिकल में क्या लिखा था ये जानने से पहले मैं एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है हनीगेन। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और ये आपको पैसा बनाकर देते रहेगी। यस, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और ये बैकग्राउंड में अपना काम करते रहेगी और आपको पैसा बनाकर देते रहेगी। बट अब आप पूछोगे कि ये बैकग्राउंड में क्या करेगी, आपके फोन से डेटा वगैरह तो नहीं चुराएगी? तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके फोन से डेटा नहीं चुराएगी। इट विल यूज योर इंटरनेट टू गैदर अ स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको इन छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे में ये कंपनियां क्या करती है कि हनीगेन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स का यूज करती है अपने बहुत सारे कामों में, और इससे उन्हें फायदा होता है जिसका कुछ फायदा आपको भी हो जाता है। बट हाँ, आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा कि इससे आप कार खरीद लोगे या घर बना लोगे, बट हाँ आपके जो छोटे छोटे डेली एक्सपेंसेस हैं वो आपको ये कवर कर देगी। और अगर आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं और कोड साइबरशेक यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली $5 का गिफ्ट भी मिल जाएगा हनीगेन की तरफ से। सो यूज द हनीगेन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो अब बात करते हैं कि उस आर्टिकल में क्या लिखा था। सो उस आर्टिकल में लिखा था मोर हाई एंड आईफोन बीइंग मेड इन इंडिया एज एप्पल कंटिन्यू टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। मींस एप्पल चाहता है कि कम से कम चाइना पर निर्भर करे और वहां से जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसके वे सारे उठकर इंडिया आ जाए, और इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला है कि चाइना जैसा इंडिया में भी एप्पल को लेबर कॉस्ट जो है कम पड़ने वाला है, और दूसरा है कि आए दिन चाइना में पैंडेमिक वगैरह आते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ता है एप्पल को। नवंबर 2022 में चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ था ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक, और उसकी वजह से एप्पल का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कंपनी है फॉक्सकॉन उसमें ताला लग गया था, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आईफोन बनने में बहुत ज्यादा डिले हो रहे थे और इसके वजह से एप्पल को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था। और ये नुकसान एप्पल ने एक बार नहीं बहुत बार सहा है। एप्पल चाइना के साथ कम रिलाई करना चाहता है, इसकी एक और वजह हो सकती है, वो है यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर। अगर आप टेक न्यूज बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि चाइना की एक बहुत बड़ी स्मार्टफोन की कंपनी थी हुआवे, जिसको यूएस ने बैन कर दिया था, और उसके बाद ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ चाइना तक ही सीमित हो चुका है। यहां तक कि इंडिया में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे हुआवे के स्मार्टफोन, और यूएस के भी बनाए हुए बहुत सारे सर्विसेज का चाइना यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से भी एप्पल जो है ना कम से कम निर्भर रहना चाहता है चाइना के ऊपर और लगभग अपनी सारी सर्विसेज और फैक्ट्रीज जो है ना चाइना से इंडिया में शिफ्ट करना चाहती है। और पता है मैं ज्यादा कंफर्म कब हुआ, जब मैंने ये देखा, मिंगची को नहीं बताया कि नवंबर में जब पैंडेमिक चल रहा था चाइना में, उस वक्त एप्पल ने आईफोन 14 प्रो मैक्स के कुछ ऑर्डर जो है फॉक्सकॉन से लेकर लक्सशेयर को दे दिए थे, और लक्सशेयर ने एप्पल को उम्मीद से ज्यादा फोन बनाकर दिया और एप्पल उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ है, और इसी वजह से एप्पल जो है ना अपने बहुत सारी कंपनियों को इंडिया शिफ्ट करने वाली है, इंक्लूडिंग फॉक्सकॉन। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर का आईफोन का प्राइस उतना ही रहने वाला है, यानी कि 15 प्रो प्रो मैक्स सारे का प्राइस सेम टू सेम रहने वाला है, मतलब इंक्रीज प्राइस ही देखने को मिलेगा। तो आईफोन के प्रो मॉडल तो नेक्स्ट ईयर से बनने स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया में, बट हाँ वो होंगे आईफोन 16, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। तो चलिए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से मॉडल्स बनाने वाली है इंडिया में। तो फॉक्सकॉन जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, ये आईफोन का आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो ये दोनों मॉडल बनाने वाली है इंडिया में, और लक्सशेयर बनाएगी आईफोन 16 प्रो मैक्स क्योंकि इसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, और पेगाटॉन बनाएगी आईफोन 16 प्लस।
तो iPhone 16 Plus के बाद के जितने भी स्मार्टफोन आएंगे सारे में आपको रिड्यूस प्राइस ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था अभी तक का न्यूज़। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके प्लीज बताइए। और हाँ, इसको आप लोग बहुत देर से देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने कम्युनिटी टैब पर देखा होगा कि मैंने इसके पोस्ट डाले थे कि ये मैं खरीदने वाला हूँ और ये डिलीवर हो चुका है। इसका भी मैंने पोस्ट डाल दिया है, इसका एक फ़ोटो लेकर। सो इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। सो फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल। और लैपटॉप बहुत अच्छा है, सॉरी लैपटॉप नहीं, मैकबुक बहुत ही स्लिम है। और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। सीखने के बाद मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करूँगा। एक ऐसा व्यक्ति जो विंडो यूज़ करने वाला हो और विंडो यूज़ करने के बाद मैकबुक में शिफ्ट होता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है, सारा का सारा चीज़ शेयर करने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।